हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। स्वागत आप सबका केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे। मैं डीएन यादव और आप लोग देख रहे हैं जीओसी स्पेशल सीरीज। हमारे केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे तीन अलग अलग सीरीज चल रही है। इनऑर्गेनिक सुपर सीरीज जिसमें पीरियोडिक टेबल से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग जैसा सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी फिजिकल पावर सीरीज। यहाँ पावर नाम इसलिए है क्योंकि फिजिकल में होते हैं न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल में चाहिए होती है पावर, और वो एक पावरफुल टूल है स्कोर करने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे चल रही है जीओसी स्पेशल सीरीज। जीओसी स्पेशल सीरीज का ये थर्ड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को वेरी फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था कॉमन नेमिंग एन आइसो नियो सेक टर्ट बेंजाइल एलाइल फिनाइल। लेक्चर टू में मैंने आप लोगों को सिखाया था प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप्स इंक्लूडिंग सल्फर सिलेनियम टेल्यूरियम फॉस्फोरस। सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स मैंने लिए थे जितने दुनिया में पॉसिबल हैं, और उनको लर्न करने का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को सिखाया था। आप लोग लेक्चर वन में इसे, लेक्चर टू में इसे देख सकते हैं। ऐसे ही आप लोगों को मैंने सिखाया था हर एक फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स एंड सफिक्स, अपना वर्ड रूट क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसके अलावा नेम का फॉर्मूला क्या होता है। तो आज आईयूपीएसी नेम की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। वेरी फर्स्ट हम लेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को प्रीवियस किसी भी लेक्चर में कहीं भी कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और आप प्रशंसा भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम पास किए। लेक्चर नंबर थ्री में हम बात करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग या नॉमेनक्लेचर आप लोग कह सकते हैं ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। केवल और केवल देखो, बहुत सीक्वेंस में पढ़ाने वाला हूं मैं, बहुत सीक्वेंस में, मतलब ऐसा नहीं कुछ भी मिक्स कर करके पढ़ा दिया। जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं, आप लोगों ने यदि फॉलो कर लिया तो मेरा पक्का प्रॉमिस है कि आप इस जीवन में आईयूपीएसी नेमिंग में कहीं कोई मिस्टेक नहीं करोगे। तो जस्ट फॉलो मी। मैंने कहा सबसे पहले मैं लूंगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम बात करेंगे एल्केन्स, सेकेंड हम बात करेंगे साइक्लोएल्केन्स, थर्ड हम लोग बात करेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड्स COMP मतलब कंपाउंड्स, पॉलीसाइक्लो कंपाउंड्स एंड स्पायरोएल्केन्स। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने ये सीख लिया तो ये बेस है इस टॉपिक का। यदि ये सीख लिया तो इसके बाद मेरी गारंटी है इसमें कुछ नहीं करना, बहुत हल्का सा मॉडिफिकेशन करना, फंक्शनल ग्रुप जोड़ना है जिससे बहुत थोड़े से रूल्स चेंज होंगे। तो इसका मतलब यदि आप लोगों को अपने इस बिल्डिंग की नींव को मजबूत करना है तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतने से टॉपिक्स को सीख लीजिए। इसके बाद यूं आईयूपीएसी उड़ा देंगे हम लोग, है ना। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एल्केन से, एक एक को उठाएंगे प्यार से। तो शुरू करते हैं कहाँ से, एल्केन। एल्केन्स के केस में सब एल्केन नेमिंग ऑफ सिंपल ओपन चेन एल्केन्स में किस तरह के रूल्स आप लोगों को यूज करने, एकदम सिंपल से रूल है। फर्स्ट चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज ए पेरेंट चेन, पीसी मतलब पेरेंट चेन। सबसे पहला रूल है, यदि आप ओपन चेन एल्केन्स के लिए नेम डिसाइड करना चाह रहे हो तो आप लोगों को क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन यूज करनी है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ इथाइल, ईटी मींस इथाइल, एमई मींस मिथाइल। अब सबसे पहले क्या करें, जो भी चेन आप लोगों को मिली है उसे आप तरीके से लिख लें, मतलब आप इसमें हर एक ईटी पीआर एमई इन सबको खोल के रख दें। एमई मतलब मिथाइल, ईटी मतलब इथाइल, कुछ इस तरह से आप लोगों ने बना दिया। अब आप इसमें सेलेक्ट करने की कोशिश करोगे लॉन्गेस्ट कैसी पॉसिबल है। तो देखो, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, इस तरह से, है ना। ठीक, तो मुझे जो लॉन्गेस्ट हर बार मिली वो एक ही जैसी थी, 6 कार्बन एटम की चेन थी। मतलब फर्स्ट रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फर्स्ट चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक, सेकंड क्या करना है, सेकंड हमें क्या करना है, इन सब को एक एक लोकेंट नंबर देना है। तो सेकंड है, मैंने कहा था हर एक आईयूपीएसी नेम 3 स्टेप्स में पूरा होता है, तीनों स्टेप हम लोग ले रहे हैं। तो
हमेशा ध्यान रखना ओपन चेन एल्केन्स में, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं ले रहा हूं मैं, प्योर एल्केन्स है, तो यहां पे एक ही रूल है, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। क्या लेनी है? लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, फिक्स्ड रूल है, इससे बाहर नहीं निकले। सेकंड हम लोग बात करेंगे डिसाइड द लोकेंट नंबर, डिसाइड द लोकेंट नंबर्स। लोकेंट नंबर्स में, लोकेंट नंबर का मतलब हर एक कार्बन को एक नंबर दे दीजिएगा। इसमें कुछ रूल्स हैं, इसमें क्या है थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। यहां पे एक रूल लगता है लोवेस्ट लोकेंट रूल, लोवेस्ट लोकेंट रूल, LLR आप इसे कहते हैं, लाला राम कह सकते हैं LLR, इसे मस्ट फॉलो द LLR। तो मैं यहां लिख रहा हूं मस्ट फॉलो द LLR, इसे फॉलो करना जरूरी है, लाला राम को फॉलो जरूर करें। लाला राम क्या कहता है, लाला राम के सुनते हैं। लाला राम कहता है भैया नंबर देते टाइम आप क्या करो, एक चेन में दो तरह से नंबर होना पॉसिबल है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों करके देख लो। अब जितने भी ब्रांचेज हैं उनको कोई ना कोई नंबर मिलने वाला है, इस नंबर को कहते हैं लोकेंट नंबर। अब सबको लिख लो और फिर कंपेयर कर लो वन टू वन, एक एग्जांपल करके देखते हैं तभी बात बनेगी। एक एग्जांपल कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने कहा एक इस तरह का मैंने कंपाउंड ले रखा है, ये मैंने कंपाउंड लिया यूं, आप लोग देख पा रहे होंगे ये इस तरह से सिंपल सा कंपाउंड है। इसमें पेरेंट चेन पहले से आप लोगों को दिख रही होगी, ये वाली पेरेंट चेन हमें चूज करनी है, ये पेरेंट चेन अपन ने चूज कर ली, ठीक। अब क्या करना है, लोकेंट नंबर डिसाइड करने हैं। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5 6, ये मैंने लेफ्ट टू राइट ले लिया, सेम जस्ट अपोजिट भी करके देख लो 1 2 3 4 5 6, केवल और केवल एल्केन की चेन को, पेरेंट चेन को नंबर देने हैं। कौन सा लोकेंट रूल मिला, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, जब आप कहाँ जा रहे थे, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, तो आप देख रहे होंगे सेकंड पे एक मिथाइल है, तो ये होता है लोकेंट नंबर फर्स्ट। पहला लोकेंट नंबर हमें मिला 2, सेकंड के बाद थर्ड पे कोई नहीं लगा हुआ, फोर्थ पे कौन लगा हुआ, मिथाइल, तो 2.4 दो लोकेंट नंबर मिले जब आप लेफ्ट टू राइट गए। अब चलते हैं राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट चले तो हमें क्या लोकेंट मिला, 1 पे कोई नहीं है, 2 पे कोई नहीं, 3 पे पहला मिला हमें, पहला प्यार कब हुआ, 3 साल का जब ये था, फिर 4 5 इसके बाद मिला आपको 5। देखिए यहाँ पे कोई एडिशन मत कर देना, पुराना एक रूल हुआ करता था कि लोकेंट नंबर को ऐड कर दो जिसके लोएस्ट सम आएगी, पहले लोकेंट लोएस्ट सम रूल था, अब ये लोएस्ट लोकेंट रूल हो गया, मतलब कंपेयर करो 1 बाय 1। कैसे करना ध्यान से देखना, पहली बार ही सीखना पड़ता है, पहला प्यार होने के बाद तो एक्सपीरियंस हो जाता है। तो देखिए ये पहला कंपेयर करा आपने, कौन सा लोअर आया, ये वाला आया लोअर, मतलब ये जहाँ पे पहला डिफरेंस आ जाए वहीं रुक जाओ, जहाँ पे पहला डिफरेंस आ जाए वहीं रुक जाओ, इसका मतलब इट इज़ द करेक्ट नंबरिंग, इट इज रॉन्ग नंबरिंग, है ना। सेलेक्ट कर लिया हमने, इसका मतलब ये वाले मिटा दो, ये वाली जो आप देख रहे होंगे ऑरेंज से कलर की, ये सही नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मज़ा नहीं आया है ना, तो थोड़ा सा और ट्राई कर लेते हैं, ठीक। आप लोगों ने क्या किया, कुछ इस तरह से ये कंपाउंड ले लिया, इतना सा बहुत है ना, इसी से सीखते हैं। आपने देखा यहाँ पे यदि लेफ्ट टू राइट नंबर देते हो तो 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट टू राइट जब आपने नंबर दिया तो आप लोगों को लेफ्ट टू राइट में क्या लोकेंट नंबर मिले, 2। अब 2 दो बार था, 2 पे मिथाइल, फिर 2 पे मिथाइल, तो 2.2। इसी बात का ध्यान रखना है, हर एक चाहे एक कार्बन पे 3 एक जैसे फंक्शनल ग्रुप हो, लेकिन उस नंबर को 3 टाइम लिखना पड़ेगा, 2 2 2, जैसे यहाँ पे 2 टाइम है तो 2.2। अब क्या करिए, 5 2.2.5, ऐसे चलिए आगे 2.2.5, ठीक, ये आ गया लेफ्ट टू राइट। अब राइट टू लेफ्ट चलते हैं, राइट टू लेफ्ट हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक। आपको क्या लोकेंट नंबर मिले, तो राइट टू लेफ्ट में आप लोगों को राइट टू लेफ्ट में लोकेंट नंबर मिले 2.5.5, ठीक। कंपेयर कर दीजिए, लाला राम क्या कह रहा है, लाला राम कह रहा है भैया सबसे पहले जहां सबसे छोटा नंबर आ जाए वही सही है, तो लाला राम को फॉलो करते हैं। फर्स्ट कंपेयर किया हमने 2 से 2 कंपेयर किया, कोई काम नहीं बना, इसका मतलब यहां हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों नंबर आइडेंटिकल आ गए, तो ये आपको रिजल्ट नहीं देना। चलते हैं आगे, सेकंड हमने कंपेयर किया 2 and 5, यस इट इज द करेक्ट, इट इज द रॉन्ग नंबर, समझ में आ रहा होगा उम्मीद है।
मैंने अभी तक बहुत थोड़ी सी चीज़ें सिखाई। मैंने कहा था दुनिया का हर एक IUPAC ने तीन स्टेप में लिखा जाता है। मैं सबसे पहले आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एल्केन कंपाउंड है, ओपन चेन एल्केन है। ओपन चेन में सबसे पहला चूज द लॉन्गेस्ट चेन, ये बदलेगा बार बार। आप लोगों को पता है मैंने जब तीन स्टेप लिखाए थे तो फर्स्ट स्टेप मैंने लिखा था चूज द बेस्ट चेन। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग होता है। तो ओपन चेन में क्या करना है, चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेकंड, फॉलो द लाला राम LLR लोवेस्ट लोकेंट रूल को जरूर फॉलो करें। यदि आपको लाला राम पसंद आया तो कमेंट में जरूर लिखना। ठीक, लाला राम ने क्या कहा कि भैया लोकेंट नंबर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों तरफ से जो आपने चेन चूज करी है उसके लिए नंबर लिख के देख लो। जितने लोकेंट नंबर मिले हैं ब्रांचेज को, हर एक लोकेंट नंबर को लिख लो, फिर 1-to-1 कंपेयर करो, जहां तक सेम आ रहा चलने दो, जहां जाके आइडेंटिकल आ जाए वहां पे रुक जाओ। ठीक, अब इसी का एक और पार्ट है इसी रूल का, तो लोएस्ट लोकेंट रूल में पार्ट टू देखते हैं। पार्ट टू क्या है, पार्ट टू है कि आप लोगों को सेम लोकेंट नंबर मिल रहे हों, है ना, इन केस ऑफ सेम लोकेंट नंबर्स वी कैन यूज अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी। ध्यान से देखना, एक आपके पास कंपाउंड है और इस कंपाउंड में हर एक रूल स्पेसिफिक होता है, तो ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये एक प्यारा सा सुंदर सा कंपाउंड है। इस कंपाउंड में यहाँ पे लगा है एक इथाइल और यहाँ पे लगा है एक मिथाइल। ध्यान से देखना, ये कंपाउंड है इथाइल एंड मिथाइल। इसमें इथाइल को पूरा खोल लोगे तब भी लॉन्गेस्ट चेन आप लोगों को यही मिलने वाली है। तो ये अपना हो गया इसका लॉन्गेस्ट चेन। अच्छे से समझना, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेफ्ट टू राइट का लोकेंट नंबर डिसाइड करिए तो 3 and 6, 3, 6। ठीक, अब आइए राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, फिर से आप लोगों को मिला 3 and 6, तो राइट टू लेफ्ट भी क्या मिला आप लोगों को, राइट टू लेफ्ट भी मिला 3 and 6। अब लोकेंट नंबर सेम आ रहे हैं, तो इस केस में हमें देखना है अल्फाबेटिक ऑर्डर। इस वाले सबस्टिट्यूएंट का नेम, जब भी कार्बन चेन एज ए ब्रांच होती है तो वो कहलाती है एल्काइल। सिखाया था मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर में एल्काइल। तो ये होगा मीथ, वर्ड रूट क्या होगा, मीथ, एल्क मतलब वर्ड रूट। तो इसका नेम है प्यारों मिथाइल और इसका नेम है ETH, वर्ड रूट YL आप लोगों को लगाना है। अल्फाबेटिकली इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, अल्फाबेटिकली इसकी प्रायोरिटी कम है। ये M है और ये E से शुरू हो रहा है। E पहले आता है ABCD में, थोड़ा आप लोग जानते होंगे, थोड़ा मैं भी जानता हूँ। तो इसका मतलब है कि हमें इथाइल को प्रायोरिटी देनी है। अब देखो गलती कहाँ होती है, इथाइल को प्रायोरिटी तब नहीं देनी है जब लोकेंट नंबर ही डिफरेंट आ रहे हो। तो मैंने इसलिए कहा पार्ट टू केयर करना, इन केस ऑफ, मैंने पहले लिखा है इन केस ऑफ सेम लोकेंट नंबर। यदि लोकेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, सेम लोकेंट नंबर आ रहा है, देन गिव प्रायोरिटी टू द फंक्शनल ग्रुप। तो 3 इसमें लोअर लोकेंट मिला, इसमें लोअर लोकेंट मिला फॉर इथाइल। इसका मतलब ये है प्यारों करेक्ट, ये है इनकरेक्ट। शायद आप लोग पार्ट टू समझ गए होंगे। स्टेप टू हमने सीखा, पहला स्टेप क्या था, वेरी फर्स्ट स्टेप था चूज द पेरेंट चेन। एल्केन के केस में लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, कुछ नहीं सोचना दिमाग में, कुछ नहीं होना चाहिए, लॉन्गेस्ट। ठीक, सेकंड, लोएस्ट लोकेंट रूल को अप्लाई करते हुए दोनों तरफ नंबरिंग करके देख लो, 1-to-1 लोकेंट नंबर को कंपेयर करो, जहां पे मिनिमम नंबर आ जाए वहां से उस वाले को करेक्ट कर लो। यदि सेम लोकेंट नंबर आ रहे हैं लेकिन अल्फाबेटिकली अलग अलग फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हैं आप लोगों को, तो सेम के केस में जिसके लिए अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो पहले आता हो उसको लोएस्ट लोकेंट नंबर दो। तो कुल मिला के लाला राम वाला नियम हम लोग सीख गए हैं। अब स्टेप थर्ड पे आ जाते हैं। स्टेप थर्ड है डिसाइड द नेम एल्केन का, ओपन चेन एल्केन का नेम कैसे होता है। सबसे पहले हम यूज करते हैं प्रीफिक्सेस, जिन्हें आप लोग सेकेंडरी प्रीफिक्सेस भी कहते हो। यहाँ पे इनफिक्स कुछ नहीं होता, तो नो
इनफिक्स, नो इनफिक्स जिसे आप प्राइमरी प्रीफिक्स भी कहते हो, यहाँ कोई इनफिक्स नहीं होता। जैसे साइक्लो, बाईसाइक्लो, ये सब क्या है, इनफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स है, प्रीफिक्स है सॉरी। इसके बाद वर्ड रूट आप लोगों को लिखना ही है, डब्ल्यू आर मतलब वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स आएगा ए एन ई, ये आएगा प्राइमरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सेकेंडरी सफिक्स नहीं होगा, इनफिक्स नहीं होगा, सेकेंडरी सफिक्स नहीं होगा, प्रीफिक्सेस होंगे। ये हो गया जस्ट अपना फॉर्मूला, कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं, बहुत आराम से समझ में आने वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहला एग्जांपल आप लोग देखिएगा, एक बहुत ही प्यारा सुंदर नन्ना सा कंपाउंड मैंने ले लिया, हवा कितना मज़ेदार है ना, तो इसका नेम लिख दो भैया, तो लिख देंगे। देखो ये रहा 1 2 3 4 5 6, क्या करना है, प्रीफिक्सेज कोई है ही नहीं, ब्रांच ही नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, कुछ है ही नहीं, तो प्रीफिक्सेज नहीं आएंगे, इनफिक्सेज का होता ही नहीं, तो वर्ड रूट क्या हो गया, हैग्ज। अब देखो यहाँ से कुछ रूल्स आते हैं, यहाँ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें आप लोग अलग से नोट करना, साइड में अलग से नोट करना, साइड में रूल्स मत बनाना, बहुत सारे रूल बनाओगे तो बहुत दिक्कतें हैं। क्या है साइड में, क्या लिखना है मेरे प्यारों, साइड में लिखना है कि फर्स्ट फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, शुड बी कैपिटल वाइल रिमेनिंग रिमेनिंग शुड बी रिमेनिंग आर स्मॉल लेटर्स, खत्म, पहला पहला रूल, ठीक, मेरा पहला पहला। देखो अब ये हो गया, सेकंड आपको क्या करना है, यूज हाइफन, ये माइनस जैसा साइन जो बीच में होता है, बिटवीन नंबर्स, जब आप एक से ज़्यादा नंबर लिखें तो हाइफन को यूज ज़रूर करें, यूज कॉमा, देखो यूज बिटवीन नंबर्स तो यार कॉमा यूज करते हैं, सॉरी शक्तिमान, यूज हाइफन कौन सा, ये वाला, बिटवीन नंबर एंड नेम, मतलब कहीं नंबर आए नेम आए तो उन दोनों के बीच में हाइफन यूज करनी है। दीज आर सम बेसिक्स है ना, देखो ये कम दिख रहे होंगे, थोड़े ख़राब दिख रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहला लेटर कैपिटल रखना है, बाद के सारे स्मॉल रखने हैं, बीच में कहीं स्पेस नहीं देना, कंटिन्यूस मैनर में रखना है। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, कॉमा लगानी है बिटवीन नंबर 2, 3, 5 ऐसे। अब 5 के बाद आपको लिखना है हेक्सेन, तो 5-hexane, ये लो जी खत्म है ना। हेग्ज देखो यहाँ प्रीफिक्स था नहीं, इनफिक्स होता नहीं है, वर्ड रूल लिख दिया मैंने हेग्ज। अब सफिक्स पहले से ही फिक्स्ड है, ए एन ई, तो ए एन ई ये लो जी हो गया सफिक्स, सेकेंडरी कुछ होता ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं, आप भी क्या याद रखोगे। सेकेंड एग्जांपल में क्या करते हैं, एक कुछ ब्रांचेज ले लेते हैं, जैसे मैंने ये ब्रांचेज ले ली कुछ इस तरह से, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये लो इतनी सी ब्रांचेज ले ली, ठीक। सबसे पहले पेरेंट चेन चूज करो, तो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन आप लोगों को दिख रही होगी। अब आप कहोगे बोले सर काहे कि जे एडवांस करा रहे हो, आप टाइम पास करो, हल्के एग्जांपल है भैया, हल्के से ही भारी होते हैं, सबसे पहले भारी उठा लोगे तो समझ में ही नहीं आएगा, तो स्टेप बाय स्टेप देखो, पहले में कोई ब्रांच नहीं, दूसरे में ब्रांचेज आ गई है, और ब्रांचेज आएगी, और कॉम्प्लेक्स 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 होता चला जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों तो ये हो गया अपना, इसको नंबरिंग दे दो, मेरे को दिख रहा है दूर से, आप लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि लाला राम कह रहा है भैया इधर से चलने में बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि ये 2 ये 3 ये इस तरह से लोकेंट नंबर इसको बढ़िया मिल रहे हैं, और बढ़िया ही मिलने चाहिए भैया, बढ़िया ही मिलने चाहिए, ये लो जी मिल गए। अब ये 2 पे मिथाइल है, फिर से मिथाइल है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जहां कुछ नहीं है वहां खुदा है, और जहां नहीं खुदा है वहां कल खुदेगा, लेकिन यहां क्या है, मिथाइल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां टर्मिनल पार्ट आप लोग देख रहे होंगे, ये मिथाइल ME भी लिख सकते हो आप लोग इसको, दीज ऑल आर मिथाइल ग्रुप्स, ठीक, ये सब कार्बन है आप लोग जानते ही हो। तो यहां पे 3 ग्रुप हैं, लेकिन तीनों के तीनों सेम है, तीनों के तीनों कैसे सेम, लोकेंट नंबर क्या है, 2, 2, 3। तो देखो कैसे लिखोगे आप लोग, 2, 2, 3, देखो 2, 2, 3 कोमा लगाया मैंने, हाइफन, मिस्टेक नहीं करूंगा, गारंटी है, और आप भी नहीं करेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो, है ना। तो 2, 2, 3 हाइफन का चला गया, क्योंकि नंबर के बाद मुझे लिखना नेम। अब 1, 2, 3 जब फंक्शनल ग्रुप मोर देन वन हो एक ही जैसे, तो आप लोग ऐसे टर्म यूज करते हो, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, हेप्टा ऑक्टा नोना डेका, है ना, ठीक।
कितने हैं, एक दो तीन, थ्री टाइम है मिथाइल, तो आप लिखेंगे ट्राई, क्या लिखेंगे ट्राई। ठीक, अब देखो पहला लेटर कैपिटल है, मैंने कहा था मैं मिस्टेक नहीं करता हूँ, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, ट्राई कौन है, कौन है, मीथ, मीथ, देखो एक कार्बन के लिए सोचो मीथ, मीथ क्या है इसका वर्ड रूट, वाई एल सबस्टिट्यूएंट के लिए, हर एक यहाँ पे एक एक चीज फॉर्मूले से बनी हुई है, ट्राई मतलब थ्री, मीथ मतलब एक कार्बन वाले, वाई एल मतलब ब्रांचेज है, देखो कितना चमत्कारी है ना ये, तो 1 2 3 4 5 6, अब वर्ड रूट आएगा अपने कंपाउंड का, ये है अपना सेकेंडरी प्रीफिक्स, यदि आप लोग देख पा रहे हो तो ये कौन है सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स के जस्ट बाद आप लोगों का आएगा वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या है मेरे प्यारो, हेग्ज, इट इज कॉल्ड वर्ड रूट, मैं स्पेस नहीं दे रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ना थोड़ा सा स्पेस दिया, बाकी ये दोनों ज्वाइंट होने चाहिए, हेग्ज इनफिक्स होता ही नहीं है, लेकिन एक प्राइमरी सफिक्स लगेगा ए एन ई, तो हेग्ज ए एन ई, इट इज द प्राइमरी सफिक्स, इट इज द प्राइमरी सफिक्स, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को कि कैसे आप लोगों को एल्केन का नेम लिखना है, और बहुत शानदार वाले एग्जांपल अब करने वाले हम लोग, तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आ गए थर्ड एग्जांपल में, थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, क्यूट सा प्यारा सा कंपाउंड बना लेते हैं, ये इतना क्यूट सा मैंने कंपाउंड बना लिया, इस कंपाउंड में आप लोगों को कुछ कुछ दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे मैं ई टी लिख रहा हूँ, देखते रहना ई टी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एम ई, धीरे 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 कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं हम लोग, यहाँ मैंने लिख दिया एम ई, ये जहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा आप लोगों को यहाँ पे एम ई है। अब देखिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज करिए, आपको आराम से दिख रही होगी कि यही वाली चेन इसमें लॉन्गेस्ट है, यही वाली इसमें लॉन्गेस्ट चेन है, इससे ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन होना पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब आप लोगों को देना है लोकेंट नंबर, तो आप लोग क्या करिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से नंबर आप लोगों ने दे दिए, ऐसी एक और तरीके से आप लोग नंबरिंग करके देख लीजिए, क्योंकि हमें लाला राम के बारे में सोचना पड़ेगा, लाला राम क्या कह रहा है, लाला राम खुश है या नहीं है, तो लाला राम मतलब लोवेस्ट लोकेंट रूल, लोवेस्ट लोकेंट रूल पे बात करेंगे, तो देखिए क्या है 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैंने इधर नंबर दिए, इधर नंबर दिए, मैं लेफ्ट टू राइट सबसे पहले डिसाइड करता हूँ क्या लोकेंट मिला मेरे को 2 4 4 6 2 4 4 6 देख रहे हो 2 4 4 2 बार 4 है ना 6। ठीक, अब चलते हैं राइट टू लेफ्ट क्या हुआ, राइट टू लेफ्ट क्या हुआ, तो मिला हमें 2, फिर मिला हमें 4, फिर मिला हमें 4, फिर मिला हमें 6। ठीक हो, इसका मतलब आइडेंटिकल, बोथ आर आइडेंटिकल, और यदि दोनों आइडेंटिकल है, यदि दोनों आइडेंटिकल है इसका मतलब कोई सा भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करो इनिशियली, जब आप यदि बिगनर हो आप शुरू कर रहे हो तो आप पहले क्या कर लो, इन सब के नेम लिख के देख लो, अभी मेरे को तीन तो आइडेंटिकल दिख रहे हैं, तीन तो क्या है मिथाइल हैं, और एक मेरे को दिख रहा है इथाइल, जब भी मोर देन वन प्रीफिक्सेज हो, मैंने प्रीवियस क्लास में सिखाया आप लोगों को, मोर देन वन, चाहे वो प्रीफिक्सेज हो चाहे वो सफिक्सेज हो, सब अल्फाबेटिक ऑर्डर में आते हैं, इन दोनों को अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखिए, है ना, लोकेंट नंबर सिर्फ नंबरिंग करते टाइम दिमाग में रखना है, लिखते टाइम लोकेंट नंबर दिमाग में नहीं रखना है, लिखते टाइम कोई रूल नहीं कि पहले लोकेंट लोएस्ट लिखो, लिखते टाइम सिर्फ एक ही ऑर्डर अप्लाई होता है अल्फाबेटिकल, तो इथाइल पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो आप लिखेंगे 4-4-4- इथाइल ईथ, वाई एल रिप्रेजेंट दैट दैट दिस टू कार्बन चेन इज प्रेजेंट एज ए सबस्टिट्यूएंट, फिर हाइफन क्योंकि नंबर आएगा फिर से 2, 4, 6 2, 4, 6 2 पे भी मिथाइल है, देखो ध्यान से देखते रहना हो जाएगा, 2 पे भी मिथाइल है, 4 पे भी मिथाइल है, 6 पे भी कौन है मिथाइल है, तो 2, 4, 6 मतलब तीन हो गए हैं भैया, ये ट्राई, ये डाई ट्राई टेट्रा जब आप लिखते हो ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में काउंट मत करना, इसीलिए पहले लिख के देख लो इथाइल मिथाइल को, ताकि आप लोगों को अल्फाबेटिक ऑर्डर में इसे काउंट न करना पड़े। ठीक, ट्राई ट्राई, अब आपको क्या लिखना है मीथ, मतलब तीन बार एक कार्बन वाला चेन
क्या है सब स्टेटमेंट, देखो हर एक चीज बहुत बढ़िया से समझ में आएगी, पूरा भी एक्सप्लेन करूंगा कितना मस्त है ये। अब अपने पास बचा कंपाउंड का वर्ड रूट, तो हमने लिखा हैप्ट ANE, सब कंटिन्यूस मैनर में लिखना है। मैंने कहा था मैं मिस्टेक नहीं करूंगा, मैंने कैपिटल लेटर लिया, मैंने कॉमा लगाई, मैंने हाइफन लगाए, मैंने एक नेम लिखा प्रॉपरली, थोड़ा स्पेलिंग कम समझ में आ रही तो देख लेना, ETRIMETHYLHEPTANE। ठीक, देखो ध्यान से देखना ये क्या बताता है, ये कहता है देखो वर्ड रूट ढूंढो पीछे से, है ना, यदि आपको नेम से स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या करो, वर्ड रूट ढूंढो, हेप्ट एन ये सफिक्स से जस्ट पहले मिलेगा, इट इज वर्ड रूट, इट इज प्राइमरी सफिक्स, PS मतलब प्राइमरी सफिक्स। अब ये सब के सब क्या है मेरे प्यारों, इनफेक्स इसमें होता ही नहीं है, ये सब के सब क्या है सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रीफिक्स, SP लिख देते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्सेस। ये क्या बताते हैं, हेप्टेन नाम की एक चेन है, देखो ध्यान से सुनना क्या स्टोरी कितनी मस्त है, बहुत सिस्टमेटिक है। हेप्टेन नाम की एक चेन है, मतलब 7 कार्बन की एक चेन है, 7 कार्बन का एक चेन है, एन मतलब उसमें कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं है, वो प्योर एल्केन है। ठीक, इस हेप्ट पे फोर्थ पोजिशन पे, इस हेप्ट पे किसी किनारे से काउंट करना, फोर्थ कार्बन पे ETYL, ETH 2 कार्बन का एक सब्स्टिट्यूएंट है, YL एक सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब फोर्थ कार्बन पे आप जाओगे तो आपको एक सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच मिलेगी 2 कार्बन की। इसके अलावा 2, 4 एंड 6, 2 पे सेकंड कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे, सिक्स कार्बन पे, 3 कार्बन पे, किसी एक किनारे से लेना शुरू कर दो, उसी से ही काउंट करो हर बार 4, 2, 6, है ना, तो 2, 4, 6 तीन जगहों पे, ट्राई मतलब तीन जगहों पे, मिथ मतलब एक कार्बन का, YL मतलब ब्रांच जुड़ा हुआ है। यार क्या मजेदार है ना, कितना शानदार बनाया होगा, सोचो जिन्होंने बनाया होगा, हम तो सिर्फ क्या कर रहे हैं फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने बनाया है वो कितने ब्रिलियंट लोग थे। तो चलिए एक एग्जांपल और करते हैं मेरे प्यारों, अब कुछ स्पेशल आने वाला है। अभी आप लोगों ने देखा बड़े सिंपल सिंपल से मैंने सब्स्टिट्यूएंट लगा रखे थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ, आप लोगों ने फेस किया एक ऐसा गंदा सा कंपाउंड, और इस कंपाउंड पे आप लोगों ने देखा कि यार ये इस तरह से, ये ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, तो ऐसे एक सिंबल बना हुआ मिला, ये क्या हो गया। तो देखिए यदि आप इसमें लॉन्गेस्ट चेन चूज करोगे तो ये कभी नहीं होगी, तो आपको लॉन्गेस्ट चेन तो चूज करनी पड़ेगी, तो लॉन्गेस्ट चेन चूज करी मैं, बहुत ध्यान से पढ़ना, ये यहाँ पे कुछ रूल्स आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ध्यान से देखिए, आप नंबरिंग इधर से करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब आइडेंटिकल, एक ही लोकेंट है, एक ही लोकेंट को नंबर मिल रहा है 4, तो इसका मतलब दोनों तरफ से सेम है। ठीक है, लाला राम खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ये खुद, इसे इस सिंबल को मैं थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C, इस पे जुड़ा हुआ था CH3, इस पे जुड़ा हुआ था CH3, इस पे जुड़ा हुआ था CH3। कहीं आप सोचो कि यार जो है ज़्यादा ब्रांचेस लेने के चक्कर में कार्बन कम कर दे, कभी मत करना, भूल के भी क्या होता है, कार्बन चेन लॉन्गेस्ट ही होती है एल्केन्स के केस में, यदि मोर देन वन लॉन्गेस्ट आ रही है और किसी में सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है तब हम उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं, उसका एग्जांपल आएगा अभी, लेकिन कभी भी लॉन्गेस्ट से नीचे मत लेना। यहाँ 7 कार्बन की आ रही है ना, इधर से मान लो आपका मन करे यार मैं तो इधर से ले लूँगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 है 6, तो 7 नहीं आएंगे, दिख रहे हैं ना, तो अब क्या करना है, अब बीमारी कहाँ है, बीमारी है कि ये खुद ही ब्रांच है, अब ये क्या हो गया यार, ये तो बड़ा अजीब है ना। इसके लिए दो बातें हैं, एक तो ये है कि हमने कॉमन नेम में एन आइसोनियो सीखा था, आप उनको IUPAC में डायरेक्ट यूज कर सकते हो, बशर्ते कि ऑप्शन हो, नहीं हो या फिर एक परफेक्ट ऑप्शन हो तब वो गलत भी हो सकता है, इसलिए पहले मैं सिखाऊंगा परफेक्ट नेमिंग, सबसे पहले परफेक्ट। तो जब क्या होता है, ब्रांच में भी ब्रांच होती है, जब ये भी ब्रांच है, इस कंपाउंड के रिस्पेक्ट में ये एक ब्रांच है और इस ब्रांच में भी ब्रांचेज है, तो हमेशा क्या करो, वापस से एक पेरेंट चेन चूज करो, सब पेरेंट चेन बोलते हैं इसको, सब पेरेंट चेन चूज करते टाइम हमेशा ध्यान रखो लॉन्गेस्ट आप लोगों को चेन चूज करनी है, मैं ये वाले पोर्शन को लॉन्गेस्ट चेन की तरह चूज कर लेता हूं। आप यहां से पहला कार्बन, फर्स्ट कार्बन शुड बी बॉन्डेड टू द पेरेंट चेन, पहला कार्बन ऐसे पता चला आपने लॉन्गेस्ट लिया 1, 2, 3, ये ना बोले यार इधर पहला कार्बन, फर्स्ट कार्बन कहां से शुरू करना है चेन काउंट करना, पहला कार्बन वो होना चाहिए जो पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, तो फर्स्ट सेकंड, आप इधर से आओगे फर्स्ट सेकंड, आप लोग जानते हो
आप एक जगह से दूसरी जगह फिर उठ के तीसरी जगह चले गए, ऐसा ऑर्गेनिक में नहीं होता। इसके लिए कर दो नंबरिंग, तो इसकी नंबरिंग करो वन डैश, देखो वन डैश, इसके लिए लिखो टू डैश, वन डैश टू डैश, इसकी नंबरिंग करो। फर्स्ट नंबर शुड बी फॉर द कार्बन बॉन्डेड टू पेरेंट चेन, है ना। तो यहां मैं लिख देता हूं ऑलवेज ऑलवेज स्टार्ट स्टार्ट विद कार्बन बॉन्डेड टू पेरेंट चेन, हमेशा स्टार्ट करिए कहां से, बॉन्डेड टू पेरेंट चेन, और कंटिन्यूस मैनर में चले जाइए। पहले इसका नेम अलग से सेपरेटली डिसाइड करिए। इसके वन डैश पे, ये वन डैश है, वन डैश पे क्या जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल इधर है एक मिथाइल इधर है, ध्यान से देखना, बहुत सिस्टमेटिक बहुत सिस्टमेटिक, यहाँ एकदम कुछ भी ऐसा नहीं होता, अटपटा कुछ नहीं है। तो वन पे वन डैश कॉमा वन डैश, ध्यान से देखना, वन डैश कॉमा वन डैश डाई डाई मिथाइल डाई मिथाइल, वन डैश पे मिथाइल है, वन डैश पे मिथाइल है, वन डैश डाई मिथाइल, खुद क्या है ये ईथ, देखो कुछ नहीं, खुद क्या है दो कार्बन है, दो कार्बन मतलब ईथ, खुद क्या है ये ईथ, क्योंकि ये पूरा ईथ भी किसी के रेस्पेक्ट में क्या है, ब्रांच है, तो ईथ पे भी क्या लगा दो वाई एल एल जी, दोबारा बताते हैं, वन पे क्या है, देखो कैसे एक्सप्लेन करता है इसे, देखो इसका मतलब है इथाइल, यहां से देखो ई टी एच वाई एल इथाइल, मतलब एक सबस्टिट्यूएंट है इथाइल, तो हम ऐसे सोचेंगे हमारी ब्रांच पे एक इथाइल जुड़ा हुआ, मतलब दो कार्बन की एक चेन जुड़ी हुई है, लेकिन इस इथाइल पे भी दो ब्रांचेज हैं, कौन सी, वन डैश डाइमिथाइल, मतलब इसके भी फर्स्ट कार्बन पे डैश लगने का मतलब सब ब्रांच है ना, तो सब चेन है ना, तो वन डैश मतलब इसके फर्स्ट कार्बन पे दो बार मिथाइल है ईथ, ये देखो दो कार्बन, और पहले कार्बन पे दो बार मिथाइल है, ठीक। अब इसका पूरा नेम ये है, ये परफेक्ट नेम है, परफेक्ट आईयूपीएसी नेम क्या होगा, देखिए इसका ये खुद किस पोजीशन पे है, ध्यान से देखना, ये खुद किस पोजीशन पे है, इट इज प्रेजेंट एट फोर्थ पोजीशन, इट इज विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट चेन, इट इज प्रेजेंट एट फोर्थ पोजीशन, फोर्थ पोजीशन पे जो भी है उसे प्लीज स्मॉल ब्रैकेट में लिखें, जब भी किसी नेम में, जब भी किसी नेम में क्या आ जाए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले वो रूल लिख देता हूँ, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नेम्स, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नेम्स यूज पैरेंथेसिस दिस, ठीक। अब आपको हो गया, बोले सर यार रूल पे रूल बताए जा रहे हो, आपने कहा था थ्री स्टेप, देखो भैया यदि मैं एक साथ सारे रूल एक पेज में लिखा देता तो शायद आप कभी उन्हें रट नहीं पाते, बहुत बोरिंग लगता। अब पता है क्या है, मतलब ये वैसा है कि आप एक मतलब एक ऑटोमोबाइल की दुकान पे एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर काम करना सीखता है, मान लेते हैं इंजन को रिपेयर करना सीखता है या कुछ ऐसा, तो पहले दिन उसको क्या कर दिया जाए, सारे टूल पेटियाँ भर भर के ला के दे दे, बोले देख स्क्रू गेज है ये इतना पाना है ये वो है ये इससे ये होता है ये जैक है ये फलाना ये डिबका है ना, इतनी सारी चीज़ें एक साथ उसको दिन भर बताई जाए दिन रात उसको पढ़ाया जाए, मैं गारंटी से कह रहा हूँ वो जीवन में कभी ऑटोमोबाइल में कहीं काम नहीं कर पाएगा, कुछ भी ठीक नहीं कर पाएगा, इंजन रिपेयर करना तो बहुत दूर की बात है। प्रैक्टिकली उससे सबसे पहले गाड़ी धुलवाते हैं फिर उससे दुकान की सफाई करवाते हैं, और थोड़ा यदि अच्छा लेवल है कंपनी में गया है तो सबसे पहले वो हेल्पर होता है, वो स्क्रू देता है, आप मतलब जो मैन मैकेनिक होता है उसको हेल्पर की तरह काम करता है, उसको काम करते हुए देखता है, तो धीरे 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 एक एक टूल को यूज़ करना सीखता है मेरे प्यारों। प्रैक्टिकली सोचो तो यहाँ यही है कि आईपीसी नेमिंग इतना बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, इतने सारे रूल्स बने होंगे, हर एक चीज़ को समझने के लिए रूल बने होंगे, लेकिन रूल एक सिस्टम में डेवलप किए गए। मैं हर बार हर एग्जांपल के साथ आपको बता रहा हूँ कि नेम रियली क्या कंप्लीट एक्सप्लेन करता है, यस कंप्लीट एक्सप्लेन करता है, एक एक चीज़ बताता है नेम, ये बताता है कि इथाइल ईथ वाई एल मतलब दो कार्बन, एज ए ब्रांच वाई एल मतलब एज ए ब्रांच, इस पर खुद पर भी वन वन डैश डाई मिथाइल, खुद पर भी फर्स्ट कार्बन पे दो मिथाइल लगे हैं, इट इज़ ए ब्रांच कंप्लीट ब्रांच। तो यहाँ छोटे 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 रूल्स हैं लेकिन सिस्टमेटिक है, इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो इस कंपाउंड का नेम देख लेते हैं, इस कंपाउंड के नेम में सबसे पहले हमें मिला फोर्थ पोजिशन पे, ब्रैकेट लगा दिया स्मॉल है ना, पैरेंथेसिस यूज करनी, जब कॉम्प्लेक्स नेम हो किसी नेम में न्यूमेरिक हो डाई ट्राई टेट्रा हो, तो वन डैश डाई फर्स्ट लेटर है कैपिटल ने डाई मिथाइल
इथाइल कंटिन्यूस रहेगा, डाई मिथाइल इथाइल, ठीक। अब खुद क्या है ये, अब ये नाम खत्म हो गया, ये एक सबस्टिट्यूएंट था मैंने लगा दिया, हेप्ट एन, तो हेप्ट हो गया वर्ड रूट एन, ठीक। अब आप लोग इस नाम को क्लासिफाई कर लीजिए, नेम को वर्ड रूट सेकेंडरी, सॉरी हाँ प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स कैसा है, हेप्ट मतलब एक सात कार्बन की चेन है, एन मतलब वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, इस पर एक फोर्थ पोजीशन पे एक ब्रांच जुड़ी है, इस ब्रांच में इस ब्रांच के टोटल कार्बन है ईथ, लास्ट में चले जाओ यदि कार्बन ढूंढने चेन के तो लास्ट में चले जाओ ईथ, दो कार्बन की एक ब्रांच है, और इस ब्रांच पे खुद पे भी फर्स्ट कार्बन पे दो मिथाइल जुड़े हुए हैं। तो सरल था, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। यदि आप अभी भी वीडियो देख रहे हो और आप इंजॉय कर रहे हो तो लाइक तो बनता है यार, तो लाइक तो ठोको, तो यदि आप लाइक करोगे तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा, अंदर से खुशी होती है जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ, तो इतनी खुशी होती है अंदर से, तो कमेंट ज़रूर करें, प्रशंसाएं जो है वो हमेशा अच्छी लगती है सबको, लेकिन आप सजेशंस भी लिख सकते हो। तो नेक्स्ट एग्जांपल में थोड़ा सा एक और रूल आप लोगों को सिखाता हूँ, आगे देखिए, हमने एक चेन ली और इस बार क्या है आप लोगों को एक क्वेश्चन मिला, ये ध्यान से देखते रहना, ये एक आपका कंपाउंड है, इस कंपाउंड में ठीक है, ठीक, अभी आपने कंपाउंड ले लिया, इस कंपाउंड का नेम बनाना है, इस रूल में मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, हर एक कंपाउंड में मैं एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो स्टेप बाय स्टेप ही सीखना, कचरा मत करना, है ना, रूल्स मैंने हर एक एग्जांपल में एक नई चीज़ सिखाने की कोशिश करी है। फर्स्ट थिंग, इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन चूज करिए, वो आप लोग कर चुके होंगे, फिर आप लोग क्या करिए, लॉन्गेस्ट चेन को चूज करके देख लीजिए, ठीक है, ये आगे कार्बन 1 2 3 4 सेम लोकेंट नंबर, लाला राम खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जब आप जाओगे ब्रांचेज पे तो 1-2-1-2- मतलब ब्रांचेज खुद भी क्या है, ब्रांच्ड है, ब्रांचेज कॉम्प्लेक्स है भैया, तो यदि ब्रांचेज कॉम्प्लेक्स है तो पहले ब्रांचेज के नेम डिसाइड करो, कैसे डिसाइड करोगे, तो कैसे डिसाइड, क्या करना है, आपने कर दिया नंबरिंग, देखो ये खुद एक इथाइल है जिसके 1- पे मिथाइल है, तो 1-मिथाइल 1-मिथाइल खुद क्या है, ईथ, तो इथाइल खुद क्या है, इथाइल, 1-मिथाइल इथाइल, ध्यान से सुनना, ऐसे ही ये भी क्या होगा 1-मिथाइल, और ये खुद क्या है मेरे प्यारों, इथाइल, इसका मतलब दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। जब कोई कॉम्प्लेक्स चेन मोर देन वन टाइम हो तो उसके नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बाई ट्राई टेट्रा की बजाय हम यूज करते हैं बिस ट्रिस, देखो ये बाई मतलब हम क्या नॉर्मली मिथाइल है ना, तो डाई मिथाइल ट्राई मिथाइल टेट्रा मिथाइल पेंटा इथाइल हेक्सा इथाइल ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जब खुद ही कॉम्प्लेक्स नेम हो तो हम फिर इसे रिप्लेस कर देते हैं एक अलग नंबरिंग से, जिसके लिए 2 का मतलब होता है बिस, 3 का मतलब होता है ट्रिस, और 4 का मतलब होता है टेट्रा किस, किसका नाम लेते अच्छा सा लगा क्या, तो किस, अब हर जगह क्या करो किस ही लगा दो आपको अच्छा लगा ही, तो पेंटा किस हेक्सा किस, है ना, हेक्सा किस, अब आप बोलोगे यार बोले इतना सीरियस होके कोई किस बोलेगा तो मज़ा ही नहीं आएगा, तो देखो हमने पेंटा किस हेक्सा किस इस तरह से लगा दिया, ये नंबरिंग रखनी, अब इसका नेम लिख देते हैं, इस कंपाउंड में 4.4 ध्यान से देखिए 4.4 4 पे दोनों आइडेंटिकल हैं तो 4.4 हाइफन लगा दिया जी, हाइफन लगा दीजिएगा, बेस पहला लेटर कर दिए है कैपिटल, हाँ जी कर दिए हैं, एक एक बात को रिकॉल करते चले जाओ, 4.4 बिस, बिस मतलब दो, बिस क्या है भैया, क्या यूज करना है पैरेंथेसिस, तो क्या है 1-, अब 1- एक ऐसा नेम है जिसे लिखना जरूरी नहीं होता, मिथाइल इथाइल मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट कर दो बंद, अब कौन है भैया, ये है हेप्ट ए एन ई, स्पेस नहीं होता कहीं भी, मैं दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मेरे को समझाना है कि ये है वर्ड रूट, ये है अपना प्राइमरी सफिक्स, और ये है मेरे प्यारों सेकेंडरी प्रीफिक्सेज, ठीक, नेम समझाता है क्या, हाँ समझाता है, हेप्ट मतलब सात कार्बन का एक चेन है, एन मतलब वो सेचुरेटेड, कहीं डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इस पे फोर्थ पोजीशन पे दो बार एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस ग्रुप इसका मतलब दो बार जुड़ा हुआ है,
उस ग्रुप का नाम है इथाइल, वो दो कार्बन की एक चेन है, हर बार दोनों आइडेंटिकल इसलिए भी है, और हर बार उसके एक पे क्या जुड़ा हुआ, मिथाइल। इसी कंपाउंड का एक और नेम आप लोगों को लिख के बताता हूँ, ये भी करेक्ट है, ये 100% करेक्ट है मेरे प्यारों, आपको जेई नीट में कहीं भी कोई मार्क्स नहीं काट सकता इसके। तो अब मैं चेंज क्या कर रहा हूँ, मैं इस वन डैश को हटा रहा हूँ यहाँ से और मैं सीधा लिख रहा हूँ, मैंने एक मिस्टेक कर दी यार, सॉरी शक्तिमान, सॉरी, मैं करता नहीं हूँ वैसे, लेकिन मैंने मिस्टेक करी, मैंने यहाँ स्मॉल लेटर यूज़ नहीं किया। बिस के बाद आप वन डैश न लिखें, सीधा लिख दें मिथाइल इथाइल, सीधा मिथाइल इथाइल लिख दें, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि यदि दो कार्बन में से कहीं मिथाइल होगा तो वो फर्स्ट पे ही होगा, क्योंकि यदि सेकंड पे मिथाइल होता तो ये खुद ही क्या हो जाता, प्रोपाइल हो जाता। फिर आप लिख दीजिए हेप्टेन। अब देखिए एक और नेम बताता हूँ, एक और नेम बताता हूँ, इट इज़ ऑल्सो 100% करेक्ट। मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एक खास रूल होता है कि कई बार पार्शियली करेक्ट आंसर सही होता है, कब, जबकि 100% एक्यूरेट आंसर अवेलेबल नहीं हो। तो सोचिए आप एग्जाम में थे, आपको यही कंपाउंड मिला और ये दोनों ही अवेलेबल नहीं थे, तो फिर आप लोगों को पार्शियल करेक्ट नेम ढूंढना पड़ेगा, और पार्शियल करेक्ट नेम है इसका 4.4 बिस, इट इज आइसोप्रोपाइल। आप लोगों को याद होगा मैंने आइसो नियो कॉमन नेमिंग वाले लेक्चर में सिखाया था आइसोप्रोपाइल हेप्टेन, इसे तब चूज करें मेरे प्यारों, है ना, चूज इफ बोथ आर नॉट अवेलेबल। यार ये यहाँ नहीं लिखूंगा क्योंकि फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे, बाद में सोचोगे यार ये नॉट अवेलेबल मतलब ये एक्सपायर हो गए, जिंदा है आप, तो ये देख लो यहाँ पे खुद ही नोट कर लो अपने हिसाब से। ये भी करेक्ट है लेकिन एक ही केस में, कि इन दोनों में से कोई भी नेम ऑप्शन में नहीं है तब ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ये भी करेक्ट है लेकिन इन केस ऑफ व्हाट व्हेन दीज बोथ आर अनअवेलेबल इन आवर ऑप्शंस। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये कुछ थोड़ा सा अलग ले लेते हैं। इस एग्जांपल में आप लोगों को मिल रहा है कुछ ऐसा, और यहाँ मिल रहा है आप लोगों को इथाइल। क्या सिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को पता चल जाएगा, आप इसको वही आप लोग अपना परमानेंट वाला काम करना शुरू करिए, लोएस्ट लोकेंड नंबर के अकॉर्डिंग नंबर देना शुरू करिए, पेरेंट चेंज चूज करिए, वो सब आप लोग कर लोगे, अब कोई बहुत सीरियस मैटर नहीं रहा वो। इसके इन दोनों के नेम लिखने हैं, इसका नेम होगा इथाइल और इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा, इसमें एक और ब्रांच जोड़ रहा हूँ मैं ना, एक और लाइन ऐसे खींच देता हूँ, इसका नेम होगा डाई मिथाइल इथाइल। देखो मैंने कहा वन लिखना ज़रूरी नहीं, यदि वन लिखते तो ये होता वन डैश डाई मिथाइल, ये अभी भी करवाया है मैंने प्रीवियस एग्जांपल में, तो आप लोगों को पता होगा ये है वन डैश, ये है टू डैश, वन डैश डाई मिथाइल इथाइल है इसका नेम। देखो यहाँ पे स्पेशल क्या है, यहाँ पे मैं सिखाना क्या चाह रहा हूँ कि जब आप कॉम्प्लेक्स नेम लिखते हो, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नेम्स द डाई ट्राई टेट्रा आइसो नियो ऑल्सो यूज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ध्यान से देखना, वैसे तो हमने कहा था कि डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करना है, वो कब नहीं करना है, जब हमारा कंपाउंड ऐसे हो, मतलब एक मिथाइल यहाँ है, एक मिथाइल यहाँ और एक मिथाइल यहाँ है, या फिर एक इथाइल है, तो अब आप लोग लिखोगे डाई मिथाइल, लेकिन ये डाई मिथाइल कंपाउंड नहीं है, यहाँ डाई मिथाइल का मतलब दो बार मिथाइल है, तो यहाँ पे आप लोग एक्चुअल में इस कंपाउंड का जब नेम लिखोगे ना, कंपेयर करना दोनों को अच्छे से, तब आप पहले लिखोगे थ्री मिथाइल फिर लिखोगे 2.4 डाई मिथाइल पेंटेन। ध्यान से देखना, कंपेयर करवाने के लिए ही एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। इस कंपाउंड में आप लोगों ने, ध्यान से इसको सेपरेट कर लेते हैं, इस कंपाउंड में आप लोगों ने इस डाई का डी अल्फाबेटिक ऑर्डर डिसाइड करने में नहीं किया, क्योंकि मिथाइल मिथाइल दो अलग अलग ग्रुप थे, ये पांच होते तो पेंटा होते,
तो ये नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए है। लेकिन इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नेम, इस वाली ब्रांच के नेम में डाई का मतलब ये नहीं है कि ये ग्रुप दो बार है, डाई इसके नेम का पार्ट है। डाई ट्राई टेट्रा कॉम्प्लेक्स नेम में उस नेम का पार्ट होता है। जैसे एक आदमी तेज है और एक तेजपाल है, तेजपाल वाले केस में तेज उसके नेम में इंक्लूडेड है, एक आदमी तेज है, तेज उसके लिए हम समझा रहे हैं कि वो तेज है ना, ये वैसा ही है। यहाँ डाई बता रहा है कि दो बार मिथाइल अवेलेबल है, यहाँ डाई बता रहा है कि इस कंपाउंड के खुद, इस ब्रांच के अंदर खुद कुछ डाई ट्राई टेट्रा है, इसलिए यहाँ का डाई अल्फा बीटा में कंसीडर होगा, यहाँ का डाई अल्फा बीटा में कंसीडर नहीं होगा। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसीडरेशन। तो अब यहाँ पे जब आप नेम लिखेंगे तो इसके लिए यूज करेंगे डी और इसके लिए यूज करेंगे ई। बताओ डी पहले आता है या ई पहले आता है, तो हम कहेंगे भैया डी पहले आता है, तभी तो डी एन बाबा पहले आते हैं। तो फोर्थ पे क्या जुड़ा हुआ है, तो नेम को देखिएगा, फोर्थ पे जुड़ा हुआ है क्या, 1-1- डाई मिथाइल इथाइल, 1-1 ब्रैकेट में लिखना, 1-1 डाई मिथाइल। अब खुद क्या है ये इथाइल, इसे ब्रैकेट में बंद कर दो। अब चलो आगे, अब क्या जुड़ा हुआ है सेकंड पे जुड़ा हुआ है इथाइल, सेकंड पे क्या जुड़ा हुआ है इथाइल, वो हाइफन नहीं है, वो रिप्रेजेंट करती है कि कंपाउंड को हम आगे घसीट के लेके जा रहे हैं। आगे हम लिखेंगे हेप्टेन, ठीक। फोर्थ पे जुड़ा हुआ 1-1 डाई मिथाइल इथाइल, 2 पे जुड़ा हुआ इथाइल हेप्टेन। इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं हम, 4 सीधा लिखो डाई, 1-1 पोजीशन, एक ऐसी पोजीशन है जिसमें लिखना जरूरी नहीं है, अंडरस्टूड है वो, इथाइल, फिर आप ब्रैकेट बंद कर दो, फिर 2 पे अलग से हाइफन दोनों तरफ लगाना, 2 इथाइल के बाद आप लिख दो हेप्टेन। तीसरा नेम बताइए सर, इसका तीसरा नेम बता देते हैं, इसको बोलेंगे हम नियोब्यूटाइल, इसको क्या बोलते हैं हम नियोब्यूटाइल इसका नेम हो सकता है। तो तब इस टाइम जब नियो लिखोगे तो एन को कंसिडर करना है, तब आप ऐसे लिखोगे 2 इथाइल 4 नियोब्यूटाइल हेप्टेन। तो मेरे प्यारों, अब भी नहीं समझ में आया तो खुदा गवाह है, मैंने बहुत कोशिशें करी है, अब आप लोगों को नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से कोशिश कर लेना, फिर एग्जांपल करना, और एग्जांपल लेंगे भी। तो मेरे प्यारों, हर एक एग्जांपल कुछ तो नया सिखा के जाता है, कहीं कॉम्प्लेक्सिटी फील हो रही हो तो रिफ्रेश कर लो माइंड को, और कैसे रिफ्रेश करोगे, अपने ऊपर वाले, अपने माता पिता के चेहरे को जो आपसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, जिन्होंने आपको जीवन दिया है, उनके बारे में सोचो और लग जाओ कि नहीं, जब तक हम हमारा टारगेट पूरा नहीं कर लेते तब तक हम रुकेंगे नहीं, साला कोई हो नहीं सकता जो हमें रोक दे, कोई फैक्टर बना ही नहीं इस दुनिया में जो हमें रोक दे, तो स्टार्ट कर दो वापस से फ्रेश होके, है ना। ऐसी मैं एनर्जी को ऐसी गेन करता हूँ जब भी मेरे को ढीला ढीला सा लगता है। तो मेरे प्यारों, एक इस एग्जाम्पल में काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को मिला, हर एग्जाम्पल में कुछ नया सीखने को मिलता है। यहाँ सीखने को मिला कि जब किसी नेम में खुद में डाई ट्राई टेट्रा आ जाए, जब ब्रांच के अंदर डाई ट्राई टेट्रा हो तो उसे कंसिडर करना है, आइसोनियो के केस में भी करना है, ये नेम और ये नेम। तो मैं कहूँगा ये नेम 100% एक्यूरेट है, ये भी 100% एक्यूरेट है, लेकिन इसे तब यूज करना मेरे प्यारों जब ये दोनों ऑप्शन में नहीं हो, तब ये भी क्या है, करेक्ट है। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या नया सीखने को मिलेगा देखते हैं मेरे प्यारों। आप लोगों को ये कंपाउंड मिला और इस पे एक ब्रांच यहाँ पे जुड़ी हुई थी कुछ इस तरह, तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे। आहा, क्या सुंदर कंपाउंड है। देखो इस कंपाउंड में आप लोगों को ऑप्शंस मिल रहे हैं पेरेंट चेंज चूज करने के, कैसे कैसे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो एक प्राणी से यूं बोला, ये लंबी दिख रही है मेरे को, तो ठीक है भैया चूज कर लिया, ओके कोई बात नहीं। दूसरा प्राणी आया बोले, यार इधर से लेता मैं तो शायद शायद डिफरेंट आता कुछ,
ऐसे भी पॉसिबल है, इधर से चल के इधर भी चले जाते, इधर से चल के उधर भी चले जाते, ऐसे तो बहुत पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो ये इतनी मैं लाइन ही यदि खींच दूंगा तो आप लोगों को यहाँ पे मकड़ी के जाले जैसा दिखेगा, मकड़ी के घर में सब दिख रहा होगा उल्टा सीधा। तो इसे सबको हटाते हैं और देखते हैं यहाँ पे था क्या। पेरेंट चेन कौन सी बढ़िया है, सारी बढ़िया है। नंबर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर, ठीक हो, 1 2 3 4 5 6 7, ओहो 1 2 3 4 5 6 7, आह 1 2 3 है ये, कहाँ चले, 1 2 3 4 5, ओहो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब हमने सारे ट्राई कर लेने, हमने सारे ट्राई कर लेने, हवा में पेन वेन मत चला देना, इसलिए मैंने कहा पेन मत चलाना, मकड़ी का जाला बन जाएगा। हमें देखने को मिला कि हाईएस्ट 7 नंबर से ऊपर नहीं बन रही बात। अब 7 नंबर में 7 की चेन ये भी है, 7 की चेन ये भी है, 7 की चेन ये भी है। जब जब क्या हो, लॉन्गेस्ट चेन में मोर देन वन पॉसिबिलिटीज हो, तो नया रूल क्या है, इन केस ऑफ मोर देन वन, मोर देन वन। एक बात आपने देखी कितना सिस्टमेटिकली एक एक चीज जुड़ती जा रही है ना, एक एक मोती जुड़ता जा रहा है, और ये क्या शानदार शेप बन गया। इन केस ऑफ मोर देन वन है ना, सेम लेंथ कंटेनिंग चेन्स, लेंथ कंटेनिंग चेन्स जो कि लॉन्गेस्ट है, जो कि पहले से ही लॉन्गेस्ट है ना, वी चूज द पेरेंट चेन हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ हाईएस्ट, ओहो किसका नंबर लेना हो, या हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज, ब्रांचेज या आप लोग कह सकते हो सबस्टिट्यूएंट्स, और आगे जब फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो इसी में सबस्टिट्यूएंट्स की जगह आप लोगों को लिखना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप। मतलब आप लोगों को बताऊं, बहुत मज़ा आएगा। ये पहला कंपाउंड है, इतनी मशक्कत हो रही है, इसके बाद ना आप लोगों को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बाद यूं यूं कोई रूल नहीं बता रहा हूँ। ये लो जी, ये एल्कोहल हो गया, ये एल्डिहाइड, ये एस्टर, ये एनहाइड्राइड, ये एसिड, एक एक को उखाड़ के फेंक देंगे, है ना। तो अब क्या करना है, पेरेंट चेन चूज करनी है, हो तो पेरेंट चेन चूज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक। इसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचेज आ रही है, देखो 1 2 3 4, ठीक। यदि आप यूं यूं चलते तो ब्रांच कितनी आती, केवल दो, एक ये और एक ये, दो ही ब्रांच आती, ठीक। ऐसे ही आप लोग यदि यहां से चलते 2 3 4 5 6 7, तो फिर 1 2 3 ब्रांच आती मैक्सिमम। किस में आ रही, इसी में आ रही है, 4 ब्रांचेज। अब सबके नेम डिसाइड कर दो, 2 पे कौन है मिथाइल, 3 पे इथाइल, 5 लोएस्ट लोकेंट रूल को मत भूलना, लाला राम को मत भूलना, लाला राम के बिना बात बनेगी नहीं, 5 पे इथाइल। तो 2 3 5 6 मिल रहे हैं, उधर से आते तो भी 2 3 5 6 ही मिलते, तो इस कंपाउंड का प्यारा से नेम लिख देते हैं, 2 है 3 एंड 5 पे इथाइल, तो 3.5 डाई इथाइल, 3.5, 2 पे कौन है इथाइल, 2.6 डाई मिथाइल। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर में डाई नहीं हो रहा है, डाई यूज नहीं हो रहा है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में यहाँ लिख लिख के देख लिया करो, ये है इथाइल, ये है मिथाइल, ऐसे ही आप लोगों को ये दिख रहा होगा मिथाइल, और ये आप लोगों को दिख रहा होगा इथाइल। तो मेरे प्यारों, 2.3.5 पे कौन है इथाइल है, डाई लगा दिया, 2.6 पे 2 मिथाइल है, और खुद है ये मेरा प्यारा हेप्टेन। तो आप लोग जो है समझ गए होंगे, कुल मिला के मैंने एल्केन्स की नेमिंग आप लोगों को सिखा दी है। एल्केन्स की नेमिंग के बाद में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की। नेक्स्ट कंपाउंड है अपना साइक्लो एल्केन्स। साइक्लो एल्केन्स में फॉर्मूला जरा सा बदल जाएगा, साइक्लो एल्केन्स है ना, साइक्लो एल्केन्स में इनफिक्स होता है पहले से ही, और इसका इनफिक्स होता है साइक्लो। भाई कैसे पता लगाओगे कंपाउंड साइक्लो है या नहीं, कैसे पता लगाओगे कि कंपाउंड साइक्लो है या नहीं, ऐसे कौन बोलता है पता ना। तो कैसे हैं आप सब लोग, तो कैसे हैं आप सब लोग, है ना, देखा होगा आप लोगों ने, तो इनफिक्स साइक्लो। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आप क्या करो, सेकेंडरी सफिक्स ले लो। हो यार सुबह सुबह सफिक्स ले लियो ना, ऐसे ही होता है, जब आप दूसरे लोगों को घुसेड़ देते हो तो ऐसे ही होता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स ले लो इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, प्लस
इनफिक्स पहले से ही है साइक्लो, फिर वही अपना वर्ड रूट, फिर वही अपना प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे पहले से ही है एन, सेकेंडरी सफिक्स कुछ होता ही नहीं है, तो इसके बाद क्रॉस, क्रॉस का मतलब कुछ नहीं, नथिंग ही है। तो मेरे प्यारों आगे बढ़ते हैं, साइक्लोहेक्जेन, ओहो क्या साइक्लो, साइक्लिक कंपाउंड्स। यहाँ एक छोटा सा रूल है, एक ही रूल ऐड कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, हाँ ज़्यादा उम्मीद मत करना। तो मैं कह रहा था यहाँ एक रूल है कि आइदर साइक्लिक और एसाइक्लिक पार्ट, और एसाइक्लिक पार्ट इज पेरेंट चेन, है ना, हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन। मेरे प्यारों ध्यान से सुनना, आइदर लगने का मतलब है आप साइक्लिक यदि पेरेंट चेन ले रहे हो तो एसाइक्लिक नहीं होगी, एसाइक्लिक ले रहे हो तो साइक्लिक नहीं होगी, दोनों एक साथ कभी पेरेंट चेन नहीं होगी, दोनों में से केवल एक कोई पेरेंट चेन होगी, और पेरेंट चेन वो होगी जिसमें कार्बन नंबर क्या हो, ज्यादा हो। अब आप कहोगे कि साइकिल में और ओपन चेन में दोनों में सेम नंबर आ गए, तो सेम नंबर आ गए तो हमारे पास रूल है। तो सेकंड रूल है, इफ नंबर ऑफ कार्बन, यहां मैंने लिख दिया भैया ज्यादा कार्बन वाली, हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन वाली चेन होगी, साइक्लिक के लिए कोई अलग कुछ प्रायोरिटी नहीं है, साइक्लिक हो चाहे एसाइक्लिक हो, जिसमें ज्यादा कार्बन है वो चेन होगी। इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम, यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको सेम मिल जाए तो क्या करेंगे, दो हम कहेंगे साइक्लिक शुड बी पेरेंट चेन, साइक्लिक पार्ट शुड बी पेरेंट चेन, यदि सेम नंबर ऑफ कार्बन हो तो साइक्लिक को क्या होना चाहिए, पेरेंट चेन होना चाहिए। यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं है, प्योर एल्केन ले रहे हैं हम लोग। यदि प्योर एल्केन सीख गए ना तो ऊपर से चिपकाना है, ये फंक्शनल ग्रुप, ये डबल बॉन्ड लगाया तो क्या करना, बहुत आसान हो जाएगा। तो बस सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ ही गया है, ये इसका फॉर्मूला है बड़ा सिंपल सा, और रूल सिर्फ दो ही एडिशनल रूल्स हैं, ठीक। तो फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं साइक्लोप्रोपेन। देखो ये कंपाउंड है सीधा साइक्लो, अब एक दो तीन, तो साइक्लो देखो कुछ नहीं करना, इस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट तो लगे हुए हैं नहीं, तो सबसे पहले क्या करना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ये किसके लिए होता है, ब्रांचेज के लिए, ब्रांचेज है नहीं, साइक्लो इनफिक्स लगाना है, वर्ड रूट थ्री कार्बन के लिए प्रोप और ए एन ई लगा देना है, ये लो जी प्यारा सा कंपाउंड। अब किसी ने कहा, बोले ये जो है इसके स्क्वायर का या इसका रोम्बिक स्ट्रक्चर का नेम बता दो, तो हम कहेंगे एक दो तीन चार, बाबा जी की जय जयकार, तो साइक्लो ब्यूटेन खत्म, ऐसे साइक्लोहेक्जेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, ठीक। अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट आगे, कि हमें मिला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस पे ये जुड़ी हुई थी ब्रांचेज, अब इस पे तीन ब्रांचेज मैंने जोड़ दी है, तो इसके नंबरिंग करना शुरू करिए, वही लोएस्ट लोकेंट रूल, लॉन्गेस्ट चेन, ये सब रहेगा, कोई भी ओपन चेन एक कार्बन से ज़्यादा की नहीं, जबकि साइकिल तीन कार्बन की है, तो हम लिखेंगे 1, 2, 3 ट्राई मिथाइल, तीन जगह पे जुड़े हुए मिथाइल, एंड द कंपाउंड इज, अब इनफिक्स लगाना मत बोलना, द कंपाउंड इज साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही आप लोग जो है इस कंपाउंड को जरा देखिए इस कंपाउंड को, मासूम सा दिखने वाला ये कंपाउंड है लेकिन है बहुत खतरनाक। तो देखिए इस कंपाउंड पे आप लोगों को दिख रहा है एक, इसके नेम लिख के देख लेना, ऐसे मतलब नहीं समझ में आया तो इथाइल, इसके बाद आपने देखा मिथाइल, अब नेम अल्फाबेटिकली कौन आएगा, इथाइल पहले आएगा, तो इधर से नंबरिंग शुरू कर दो, क्योंकि लोएस्ट लोकेंट नंबर तो 1 और 2 ही मिलने वाले, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले, तो आप लोग लिख दीजिए 1 इथाइल 1, लिखना ज़रूरी नहीं है तो केवल सीधा इथाइल भी लिख सकते हो, 1 इथाइल 2 मिथाइल, अब आप लिखेंगे साइक्लोब्यूटेन, ठीक है जी प्यारों, हो गया, बहुत आसान है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ये है एक कंपाउंड और इस कंपाउंड पे हमने लगा रखा है ये इस तरह से एक, ये लो क्रिश्चियन साइन लगा दिया हमने, मतलब ये मंदिर है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ये, या आप मतलब चर्च मान लीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया मैंने, स्पेस नहीं था, सीधा करके देख लेना। अब 1, 2, 3, 4 ये पेरेंट चेन नहीं हो सकती, तो पेरेंट चेन तो यही होनी चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, ओके, इस पे नंबरिंग करिए 1-2, हम सब सीख चुके हैं, ये सब सीख चुके हैं हम लोग, कुछ नहीं, आसान है, कैसे आसान है भैया, लिख देंगे अभी, देखो 1 पे कुछ जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, 1-1 डाई मिथाइल
डाई मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट कर दो बंद, ये खुद क्या है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन है भैया। अब क्या है यहाँ पे, वन वन डैश वन डैश, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, जनरली हम नहीं लिखते, तो इन सबको हटाओ, सीधा लिखो डाई मिथाइल इथाइल, डाई मिथाइल इथाइल साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एक और एग्जांपल देखिए आप लोग, कितना प्यारा एग्जांपल है ये देखिए यहाँ पे, ये लंबी चेन, ठीक है, ये एक साइक्लोपेंटेन है जिसपे खुद पे जुड़ी है एक पेंटेन, क्योंकि दोनों में बराबर कार्बन है, और हमने रूल रखा कि जब दोनों में बराबर कार्बन हो तो पेरेंट चेन वो होगी जो साइकिल में होगी, तो साइकिल में ये है, तो हम लिखेंगे वन पेंटाइल, तो वन नहीं लिख रहा मैं, पेंटाइल साइक्लोपेंटेन, पेंटाइल साइक्लोपेंटेन, ओके। तो एक गंदा सा कंपाउंड करके देखते हैं, मैंने एक कंपाउंड ले लिया, ये हेक्जेन, ये साइक्लोहेक्जेन है, इस साइक्लोहेक्जेन पे मैंने ये इथाइल जोड़ दिया, ये मिथाइल जोड़ दिया, ये मिथाइल जोड़ दिया, ये मिथाइल जोड़ दिया, हो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा, आप लोगों को नंबर देना है। अब यहाँ गलतियाँ क्या होती है कि हमारे दिमाग में इथाइल घुसा हुआ है कि इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है, चिपका दो 1 2 3 4, अरे भैया लाला राम, लाला राम को मत भूलो, लाला राम कहता है लोएस्ट लोकेंट नंबर, इसे 1 1 मिलेगा, यदि आप यहाँ से शुरू करने वाले हो ना तो 1 1 दो बार आएगा, कहीं से भी शुरू कर लो 1 1 दो बार नहीं आएगा, तो पहले ही चांस में यही जीत जाएगा, तो 1 2 3 4। अब इसका नेम जो है, इसको लिखने के लिए मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ इसको, मैं देखो 1 1 2 4 3 टेट्रामिथाइल है, 4 पे इथाइल है, तो मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा आप लोग, 4 इथाइल, लिखते टाइम पहले इथाइल क्यों लिखा, क्योंकि अल्फाबेटिकली वो पहले आता है। अब आप लिखेंगे 1, 1, 2, 3, 3, कई लोग 3 बोलते हैं, 3 टेट्रा मिथाइल, कौन है भैया कंपाउंड, तो कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन, मजा आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, साइक्लिक हो गया है तो बाईसाइक्लो स्पायरो एंड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड भी कर लेते हैं, तो तैयार हो जाइए फिर से उड़ान भरने के लिए। तो नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा बाईसाइक्लो, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन मेरे प्यारों कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है, तो थोड़े एफर्ट और लगाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। बाईसाइक्लो कंपाउंड वो होते हैं कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन साइकल्स एंड एट लिस्ट टू कॉमन को क्या हो गया, मैंगो पीपल बन गया, कॉमन एटलिस्ट एंड कंटेंस एटलिस्ट टू कॉमन और ब्रिज हैड कार्बन एटम्स, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा साइकिल है, लेकिन एक से ज़्यादा साइकिल वाले कंपाउंड पॉलीसाइक्लो भी हो सकते हैं, स्पायरो भी हो सकते हैं, बाईसाइक्लो भी हो सकते हैं, तो पर्टिकुलरली बाईसाइक्लो कौन से हैं, तो बाईसाइक्लो वो हैं जिनमें ब्रिज हेड या कॉमन कार्बन हो, मतलब मैंने ये एक स्ट्रक्चर बनाया, ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को, ये एक स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ठीक, एक और स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये वाला, और इन दोनों में आप लोग यदि ध्यान से देखेंगे तो ये जो कार्बन है ये कॉमन है, ये दोनों साइकिल में क्या है, कॉमन है। एक और कंपाउंड देखते हैं, देखो ये एक मैंने कंपाउंड बनाया और इस कंपाउंड मैंने ये लाइन खींच दी, पता है ये अलग साइकिल है, ये अलग साइकिल है, और ये इन दोनों के कॉमन कार्बन हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग। ऐसे ही आप लोगों को और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे एक कंपाउंड आप लोगों को दिख रहा होगा ये साइक्लोहेक्जेन, इस साइक्लोहेक्जेन में मैंने यूं ये बना दिया, ये रॉकेट जैसा जो दिख रहा आप लोगों को, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, और यहाँ पे भी दो साइकिल है, एक और एक, और कोई दो कार्बन आप लोगों को कॉमन दिख रहे होंगे, तो आज के बाद आप लोग पहचान जाओगे ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें दो साइकिल हो, बाईसाइकिल मतलब दो साइकिल हो और दोनों साइकिल के दो कार्बन कम से कम क्या हों, कॉमन हों। तो मोर देन वन को सीधा सीधा आप चाहो तो काट दो यहाँ से और सीधा सीधा लिख दो टू साइकिल्स, हमेशा ही टू ही साइकिल होती है, बाई का मतलब ही टू है, ठीक। तो अब ये जो एटम है, पहले मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, दीज एटम्स आर कॉमन
और प्यार से आप इन्हें क्या कह सकते हो, ब्रिज, ब्रिज हेड कार्बन एटम्स, ब्रिज हेड कार्बन। ठीक, इनका फॉर्मूला क्या होता है, हर एक कंपाउंड के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, बस आप कहोगे और इतने लाखों फंक्शनल ग्रुप के फॉर्मूले पढ़ाओगे पागल हो जाएंगे हम लोग। नहीं बेटा, एक्चुअल में सिर्फ सैचुरेटेड एल्किन्स में ही फॉर्मूले आ जाएंगे सारे, इसके बाद तो सिर्फ हमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप लगाने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक, देखो यहाँ पे सबसे पहली बात वही, आपके सेकेंडरी प्रीफिक्सेज आएंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन इसका इनफिक्स खुद का क्या होता है, बाईसाइक्लो, इसका क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स कह दो चाहे इनफिक्स कह दो, इसका इनफिक्स होता है बाईसाइक्लो। इसके बाद प्लस का मतलब, प्लस का मतलब इसके बाद ये लिखना है, ये प्लस के साइन नहीं आते, प्लस का मतलब इसके बाद ये लिखना है। इसके बाद ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ऑल लिंकेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये क्या माजरा है, ये कहाँ से आ गया, तो इसे सीखना पड़ेगा भैया, है ना। हर एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड में, ध्यान से देखना, हर एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड में तीन लिंकेज होते हैं। देखो दोनों, इन दोनों कार्बन को जोड़ने के लिए तीन लाइनें मिलेगी, आपको देख पा रहे होंगे आप लोग, इन दोनों लाइंस को जोड़ने के लिए एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इन दोनों कार्बन को जोड़ने के लिए एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। इनका फिक्स्ड रूल है कि दो कॉमन कार्बन होंगे, इन दोनों को जोड़ने के लिए कम से कम आप लोगों को तीन लाइन दिखेगी, तभी तो दो साइकिल बनेगी, तभी तो दो चक्कर बनेंगे भैया। तो इसका मतलब यहाँ हमेशा क्या होते हैं, तीन क्या होते हैं, कार्बन चेन होते हैं। यहाँ से देखना शुरू करते हैं, इन दोनों कार्बन के बीच में ये जो लिंक है, इसमें जीरो कार्बन है, इन दोनों के बीच में जीरो कार्बन है। यहाँ पे आप लोगों को एक कार्बन दिख रहा होगा और यहाँ पे आप लोगों को दो कार्बन दिख रहे होंगे, ऐसे ही इन दोनों के बीच में यहाँ जीरो कार्बन है, एक दो तीन, इस वाले लिंक में तीन कार्बन है। इन कॉमन कार्बन को काउंट मत करना, प्लीज कह रहा हूँ मैं, 1 2 3 इनको काउंट मत करना। यहाँ देखो 1 2, यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है, 1 2 3 4, यहाँ पे चार कार्बन है। इसका मतलब हर बार आपको तीन लिंक मिलेंगे। अब इसके लिए लिखना है तो आप लिखेंगे 330, 210, यहाँ लिखेंगे 422, इस तरह से आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद आप लोगों को क्या कर देना है, वर्ड रूट लगा देना है, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स लगा देना है, इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स लगा देना है, WR वर्ड रूट, PS प्राइमरी सफिक्स, SS सेकेंडरी सफिक्स, जो भी होते हैं ये लगा देने हैं। अब किसी एक का नेम करके देख लेते हैं फटाफट से, इस वाले कंपाउंड का ही नेम करके देख लेते हैं। सबसे पहले इस कंपाउंड में देखो, याद ना रखना, वर्ड रूट में क्या करना है ये मैं बताना भूल गया, काउंट द टोटल कार्बन एटम्स, यहाँ पे पूरे कार्बन एटम काउंट करके वर्ड रूट में लिखने होते हैं। तो पहले इस कंपाउंड में कोई ब्रांचेज तो है नहीं, तो ब्रांचेज नहीं है तो इस कंपाउंड का नेम शुरू होगा इसके इनफिक्स से, तो बाईसाइक्लो मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स से जाएंगे क्योंकि ब्रांचेज नहीं है। बाईसाइक्लो के जस्ट बाद आप लोगों को क्या लिखना है, नंबर्स, तो लगाएं ब्रैकेट 210। देखो दो कार्बन, एक कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच में कार्बन काउंट करने, इनको प्लीज काउंट मत करना। तो आप लिखेंगे 2, 1, 0, खत्म। अब आपको क्या करना है, टोटल कार्बन काउंट करने, 1, 2, 3, 4, 5, तो आप लोगों को लिख देना है पेंट, ANE, आसान था यार, बहुत आसान था, फालतू में इतना शोर मचाया मैंने। तो देखो अब इस कंपाउंड को देखिए, इस कंपाउंड में आप लोगों को दिख रहा है 2, 2, 4, टोटल कार्बन कितने, 2 + 4 + 2 कितने हो गए, 8 + 2 = 10 डेकेन। तो मेरे प्यार हो, इसमें भी कुछ है नहीं, सीधा सीधा लिख दो बाई साइक्लो, क्या हो गया है, बाई हो गया, ये तो बाई, ये कह रहा है टाइम हो गया भैया छोड़ दो, बाई साइक्लो। अब बाई साइक्लो के बाद क्या लिखना है, 4, 2, 2, अब क्या करना है, इस कंपाउंड का नेम लिख देना है डे के ना हो गया। ठीक, अब कोई यार इसका भी लिख दो यार, इतना कर ही दिया है तो यार, है ना, जब मालिक इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स का पैकेट ले ही लेते, तो ले लेते हैं। देखो इस कंपाउंड में देखो 3, 3, 2 कितने हो गए, 8, तो इसको आप लिखेंगे बाई साइक्लो,
अब आपको लिखना है 3.3.0, अब आपको लिख देना है 338 ऑक्टेन। एलो जी, अब नंबरिंग कैसे करते हैं इसे सीख लेते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबरिंग करने का सीधा रूल है, एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या करिए, आप अपने कंपाउंड में कॉमन या ब्रिज हेड कार्बन देखिए। जैसे मैंने ये एक कंपाउंड लिया, इसमें दो ब्रिज हेड कार्बन है। इसका पहला रूल ये है कि आप लोग नंबरिंग को हमेशा कहाँ से स्टार्ट करें, फिक्स्ड है, चाहे फंक्शनल ग्रुप लगे हों चाहे नहीं लगे हों, चाहे ब्रांचेज हो नहीं हो, किसी भी कॉमन कार्बन से शुरू करना है। स्टार्ट विद कॉमन कार्बन, और कॉमन कार्बन से चलना लॉन्गेस्ट लिंकेज की तरफ। दीज आर कॉल्ड लिंकेज, यहाँ पे थ्री लिंकेज होते हैं। सबसे पहले आप लोग चलेंगे हमेशा लॉन्गेस्ट लिंकेज पे, वापस आ जाएंगे कॉमन कार्बन पे। इसके बाद लॉन्गेस्ट से, जैसे आपने नंबर लिखा था ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, वैसे लॉन्गेस्ट के बाद में इससे छोटे वाले लिंक पे आप चले जाइए, और इसके बाद में इससे छोटे वाले लिंक पे चले जाइए। इस तरह से उठ के जाना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। एक और एग्जांपल करते हैं, आप लोगों को सभी एग्जांपल्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगे, मेरे को पूरा भरोसा है आप लोगों पे। थोड़ा सा देखो वीडियो लंबा खींच गया, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस और रखना पड़ेगा, ज़्यादा आप लोगों को परेशान नहीं करूँगा। ज़्यादा टाइम हो गया, मैं समझ रहा हूँ, इतनी इतनी देर एक साथ नहीं पढ़ा जाता। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को तीन लिंकेज दिख रहे हैं, ये कॉमन कार्बन है, कॉमन कार्बन से लॉन्गेस्ट लिंकेज की ओर चलिए। ठीक, ये लॉन्गेस्ट है, ये सेकंड लॉन्गेस्ट है, तो इस पे आ जाइए, और थर्ड में जीरो कार्बन है, इसको कोई नंबर नहीं आएगा। बीच में कार्बन को देना है नंबर, है ना, कॉमन कार्बन से ही शुरू करना है हमेशा। ऐसे ही आप लोगों को एक और कंपाउंड करवाता हूँ मैं। देखिए आप लोग, ये इस तरह का एक कंपाउंड आपको मिल गया। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ डबल बॉन्ड है कहाँ क्या है, बस वो तब लोएस्ट लॉक एंड रूल लगाएंगे जब दोनों तरफ से, मतलब कॉमन कार्बन से लॉन्गेस्ट पे जाते टाइम नंबर अलग अलग आ रहे हो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वन ले लिया आपने, टू ले लिया, थ्री ले लिया, फोर ले लिया, फाइव ले लिया, सिक्स ले लिया, सेवन ले लिया, चले गए आप लॉन्गेस्ट पे। लॉन्गेस्ट के बाद आप आगे एट एंड नाइन, फिर आप चले गए 10 एंड 11, मतलब आप लोगों को लॉन्गेस्ट से कहाँ जाना है, शॉर्टेस्ट की तरफ, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम थी इसलिए दोनों का सेम आप लोगों को मिल गया, है ना। ऐसे ही आप लोगों को एक और एग्जांपल मैं करवा देता हूँ। इस एग्जांपल में आप लोग कॉमन कार्बन से शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एट ही होंगे भाई, नाइन थे ही नहीं, ठीक है, ये तो हो गए बिना ब्रांच वाले। अब मान लो एक ब्रांच मिल गई तो क्या करते हैं आप लोग, तो ब्रांच वाला भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो मेरे प्यारों, अब आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये बेहद प्यारा एग्जांपल है, आप लोग इसे समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या था, आप लोगों को यहाँ पे दो मिथाइल जुड़े हुए मिले, दो मिथाइल यहाँ जुड़े हुए मिले, ठीक। तो इसका मतलब है कि हमें नंबर हमेशा उस कॉमन कार्बन से शुरू करना चाहिए जिधर से मिथाइल को मिनिमम नंबर मिल सके। तो जैसे यहाँ पे भी एक मिथाइल जुड़ा हुआ है ऐसा मान लेते हैं, ठीक। तो इस हिसाब से नंबरिंग सेट करिए कि सबको मिनिमम मिनिमम नंबर मिलते चले जाएँ, 2 3 4 5 9, हो गया जी, हो गया, ठीक है, बस ज़्यादा परेशान नहीं होना, हो गया। सबके नेम लिख देते हैं सटासट सटाफटाफट फटाफट लिख देते हैं। इस कंपाउंड का नेम आप लोग लिखेंगे बाई साइक्लो। बाई साइक्लो के बाद आप लोगों को क्या करना है, लिंक देखने हैं, तो 3.3.0 कंपाउंड का नेम लिख देना है। ऑक्टेन, थोड़ा फॉन्ट छोटा है, कम समझ में आएगा, लेकिन अगली बार ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बिजलियाँ चमक रही आसमान में, तो हो सकता है तूफान आने वाला है, तूफान। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कंपाउंड का नाम लिखेंगे बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद क्या करना है, तूफान ले आना है, 3 1 1, तो लिख देना है 3.1.1.1। और इस कंपाउंड में टोटल कार्बन नंबर लिखे हुए तो आप लोगों को वैसे ही समझ में आ रहा होगा, इट इज़ कॉल्ड हेप्ट ANE। इस कंपाउंड का नेम देख लेते हैं, इस कंपाउंड का नेम है बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद आप लिखिएगा 2.1.0, इसके बाद आप लिख दीजिए पेंटेन, पेंटेन। इस कंपाउंड का नेम बहुत ही प्यारा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये टोटल कार्बन कितने होंगे, 11, तो आप लिखेंगे अनडेकेन। तो उससे पहले बाईसाइक्लो तो लिख लो यार, क्या हो गया आप लोगों को, बाईसाइक्लो, होश खो बैठे हैं आप लोग, मैं दिख रहा हूँ ना। इसके बाद 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले लिखिएगा 5, फिर 1 2, फिर लिखिए 1 2 5 2 2, फिर आप लिख दीजिए ना अनडेकेन। अब आप लोगों को हो सारा, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, इस केस में क्या होगा, यहाँ अचानक से क्या आ गए, सब्स्टिट्यूएंट आ गए, अरे यार अब तो परेशान हो गए। नहीं भैया नहीं, रूल्स रूल्स होते हैं, IUPAC इतना सिस्टमेटिक है, आप लोगों को कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। 2.2.6, तो लिख दीजिए 2.2.6 ट्राई, ट्राई कौन, मिथाइल, ओहो
ट्राई मिथाइल के बाद क्या कर लेना है, बाद देख लेना, अपने कंपाउंड का नेम लिखना है बाईसाइक्लो के बाद आप लोगों को लिख देना है नंबर 3,2,2, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब आप लिख दीजिए नोने ने, ठीक। मज़ेदार था। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं बाईसाइक्लो का। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एग्जांपल यहाँ से करा रहा हूँ, हल्का सा प्यारा सा, थोड़ी सी एक चीज़ सिखानी है आप लोगों को, तो यहाँ पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए प्यारों, ये है आप लोगों के पास एक कंपाउंड, और इस कंपाउंड में यहाँ पे ये कॉमन कार्बन एटम्स हैं, ठीक। इस पे लगा है यहाँ पे मिथाइल, इस पे लगा है यहाँ पे मिथाइल, इस पे लगा है यहाँ पे इथाइल, और यहाँ लगा है मिथाइल। ये लो जी, ये आप लोगों को करना है होमवर्क में। होमवर्क का मतलब है इस बाईसाइक्लिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिख के कमेंट सेक्शन में चिपका देना। और अब जो कमेंट सेक्शन में चिपकाएगा, तो हम जब रिवॉर्ड सीरीज लेके आएंगे, तो सबसे ज़्यादा आंसर जिनके होंगे उन्हीं को रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बहुत सारी प्लानिंग कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आऊँगा, जेई एडवांस्ड सीरीज, नीट सीरीज, जेई मेन सीरीज, ये सब प्लानिंग चल रही है। एज अर्ली एज पॉसिबल मैं आप लोगों के लिए सभी क्वेश्चंस के लिए अलग से सीरीज लेके आऊँगा। थ्योरी की 3 सीरीज चल रही है आप लोगों को, मैं पहले ही बता चुका हूँ। GOC स्पेशल सीरीज चल रहा है ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में प्रिडिक्टेबल से मैंने शुरू किया है। क्या चल रहा है, इनऑर्गेनिक सुपर सीरीज, सुपर सीरीज में केमिकल बॉन्डिंग, ब्लॉक केमिस्ट्री, मेटलर्जी सब करा दूंगा। और फिजिकल में चल रहा है फिजिकल पावर सीरीज, क्योंकि वहाँ पावर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे सारा का सारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल्स हैं और बहुत स्कोरिंग होते हैं, तो वहाँ पावर बनानी है हमें। कुल मिला के कोई माइक का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमारे सिलेक्शन को रोक देगा, तो आग लगा देनी है प्यारे बच्चों। अब ये सारी सीरीज लेके आना और ये सारा करना, ये सब मेरा काम है, आप लोगों का एक छोटा सा काम है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अपने सभी दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करना, बताने की कोशिश करना, ताकि मेरा मोटिवेशन और ज़्यादा आ सके। और मैं इस बात की फुल गारंटी देता हूँ कि अपने केमिस्ट्री ब्लॉग की प्यारी फैमिली में आने के बाद केमिस्ट्री के लिए आप लोगों को कहीं कुछ देखना नहीं पड़ेगा, ये मेरा पक्का प्रॉमिस है। देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर प्यारे बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास।